अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही थी चिकन वाइट हांडी। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चिकन वाइट हांडी बनाने के लिए मैंने 1.5 कप ऑयल लिया था और उसमें 3 प्याज काट कर डाल दी थी। प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन कर लिया था और उसके बाद मैं इसको जग में निकाल रही थी ताकि मैं इसको ग्राइंड करके पेस्ट बना लूँ। मैंने इसमें 1 कप ग्रेवी ऐड कर दिया था। अब मैंने ऑयल के अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था और उसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया था। अब मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया था और चिकन को अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया था। इसके बाद मैंने जो पेस्ट बनाया था प्याज का और दही का, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अब इसमें जाएंगे मसाले। इसमें मैंने डाला था 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून सफ़ेद मिर्च इसमें जाएगी और 1 टेबल स्पून नमक इसमें जाएगा। क्योंकि इसमें जो चिकन मैंने लिया है वो तकरीबन 750 ग्राम लिया है, उस हिसाब से मैंने तमाम मसाले इसमें ऐड किए हैं। अब जनाब इसका पानी खुश्क हो चुका था और मैं इसकी भुनाई कर रही थी। तकरीबन 15 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई करने के बाद ऑयल ऊपर आ गया था। अब मैंने 10 काजू ले लिए थे और उसको मैं पेस्ट बना रही थी। काजू के पेस्ट और 1/2 कप क्रीम को मिक्स कर लिया था और उसको मैंने चिकन वाइट हांडी के अंदर ऐड कर दिया था। अब मैंने इसको मिक्स कर लिया था। आप देख रहे हैं कि कितनी मज़ेदार चिकन वाइट हांडी बनकर तैयार हुई है। ये वाकई बहुत मज़ेदार बनी थी, जिसने भी खाई थी बहुत तारीफ़ की थी। अब मैंने इसमें गरम मसाला छिड़क दिया था तो जनाब हमारी चिकन वाइट हांडी बनकर तैयार हो गई थी। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।